हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी केंद्रीय विद्यालय क्लास वन के ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करते हैं। यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानेंगे एडवर्टाइजमेंट कब हुआ था, स्टार्टिंग डेट कब हुई थी, लास्ट डेट कब है। एडवर्टाइजमेंट 17 जुलाई, स्टार्टिंग डेट 20 जुलाई और लास्ट डेट है इसकी 7 अगस्त को। इसके बाद जानेंगे कि लिस्ट कब निकलनी है। तो फर्स्ट लिस्ट निकलेगी आपकी 11 अगस्त को, सेकंड लिस्ट निकलेगी 24 अगस्त को, अगर वैकेंसी खाली होती है तो थर्ड लिस्ट निकलेगी आपकी 26 अगस्त को। तो चलिए गूगल को स्टार्ट करते हैं। गूगल को स्टार्ट करने के बाद ऊपर इसमें साइट डालेंगे, ऑफिशियल साइट डालने के बाद ये आपको एक पेज खुला हुआ दिखता है। इस पेज में महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं, इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ देख लीजिएगा आप, ऑनलाइन फॉर्म के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा ये रजिस्ट्रेशन के लिए पेज खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ निर्देश दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ एक चेकबॉक्स होता है, चेकबॉक्स पर क्लिक करते ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होता है, इसमें दिया गया बच्चे का पहला नाम, बच्चे का मध्य नाम, बच्चे का उपनाम। तो यहाँ ये जानकारी फिल करते हैं, यदि बच्चा दिव्यांग है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नो करते हैं। बच्चे की जन्मतिथि डालेंगे, तिथि डालने के बाद इसमें ये दिया गया है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र पौत्री है, अगर है तो इसमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद फ़ोन नंबर डाल कैप्चा। उसके बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद यहाँ सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल दी होगी, उसके बाद यहाँ इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट होने के बाद यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं हमारा रजिस्टर्ड यूज़र साइन इन हेयर मांगे। लॉगिन कोड डालेंगे, बच्चे की जन्मतिथि डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन उनका आ जाता है। सबसे पहले इसमें दिया है बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर दिया पेरेंट्स डिटेल, चॉइस ऑफ स्कूल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो सबसे पहले यहाँ बेसिक डिटेल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो डिटेल है वो यहाँ पर शो होने लगेगी, यहाँ ये पहले से ही फिल आएगा। उसके बाद यहाँ जेंडर चूज़ करेंगे, जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ परिवार का आय वर्ग चूज़ करेंगे, परिवार का आय वर्ग चूज़ करने के बाद कास्ट कैटेगरी के बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं पेरेंट्स डिटेल ओपन होकर आती है। पेरेंट्स डिटेल ओपन होती है, सबसे पहले हम मदर्स की डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद फादर डिटेल फिल करेंगे। मदर्स की डिटेल फिल करने टाइटल, फुल नेम, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेसिडेंट डालेंगे इंडियन, स्टेट ऑफ रेसिडेंस में आप जहाँ के हैं वहाँ का डालेंगे, तो यहाँ उत्तर प्रदेश डालने के बाद यहाँ सिटी ऑफ रेसिडेंस, जहाँ के आप हैं वहाँ डालेंगे। सिटी ऑफ रेसिडेंस डालने के बाद यहाँ एड्रेस के बाद पिन कोड, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। फादर डिटेल में फ़ादर की डिटेल फिल करेंगे, पूरा नाम, एड्रेस जो मदर का है वही फ़ादर का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ चॉइस ऑफ स्कूल का ऑप्शन खुल कर आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप तीनों स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, KV1, KV2, KV3। अगर आप एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ राज्य चुनेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम चुनेंगे, ये नाम चुनने का नेक्स्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ डिटेल आती है, यहाँ पर यह सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया है कि विद्यालय की दूरी कितनी है। तो विद्यालय की दूरी आपकी जितनी हो, 5 किलोमीटर से कम या ज़्यादा या 5 किलोमीटर से अधिक, दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन आपके लिए है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पर करने के बाद सेकंड KV2 की डिटेल फिल करेंगे, KV2 की डिटेल फिल करने के बाद यहाँ KV3 की डिटेल फिल करेंगे, KV3 की डिटेल फिल करते हैं, राज्य चुनते हैं। राज्य चुनने के बाद विद्यालय का नाम चुनेंगे, विद्यालय का नाम चूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए विद्यालय केंद्रीय विद्यालय 3, यहाँ चूज़ करने के बाद ये डिटेल आती है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए कितनी दूरी है आपकी स्कूल की और घर की, यहाँ एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक
क्लिक करते ही आपके पास एक फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करने के बाद बच्चे का डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आपका नाम आता है लिस्ट में तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये डिक्लेरेशन के लिए आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद सेव टू प्रीव्यू कर लीजिए। सेव टू प्रीव्यू करने के बाद आपको यह आपका सेव टू प्रीव्यू डन हो गया। इसके बाद यहाँ आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपके पास एक विंडो ओपन होगी, उसमें दिया होगा आप श्योर हैं या नहीं। तो श्योर हैं तो यस कर दीजिए, फिर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। होने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। यहाँ पर OTP को डालने के बाद वेरीफाई OTP करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई OTP करते हैं आपका फाइनल फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पूरे फॉर्म को सेव कर लीजिए। करने के बाद आप यहाँ चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।